बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के टॉपिक में से है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अज्यूम दैट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 120 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 10। डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ मैन हुज ब्लड प्रेशर इज अबव 140। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, मीन जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है वो है 120। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो है 10। हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है उन आदमियों के ब्लड प्रेशर का, जो उन आदमियों का प्रोपोर्शन फाइंड करना है जिनका ब्लड प्रेशर 140 से अबव है। तो जो नॉर्मल वेरिएबल है उसे हम एक्स से डिनोट करेंगे, और हमने इसमें पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर देन 140। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 100% से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। अब ग्रेटर का साइन क्योंकि इधर है इज अबव 140, अबव के लिए ग्रेटर का साइन यूज़ किया गया है। पहले हम इस एक्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, जिसका फार्मूला है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स इज 140 माइनस 120 ओवर 10। 140 माइनस 120 आ गया 20 ओवर 10 विच इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 140 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2। अब इसमें ग्रेटर के साइन के लिए जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में रूल यूज़ करते हैं वो है 1 माइनस टैबुलेटेड वैल्यू। अब ये हम टैबुलेटेड वैल्यू को 1 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है, ये नॉर्मल कर्व हमने ड्रॉ की। अब सपोज़ ये जो वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू, लेट सपोज़ ये है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इससे ग्रेटर यानी इस एरिया की। लेकिन जो हम टेबल यूज़ करेंगे, टेबल ने हमें जो एरिया टेबल से हमें मिलेगा वो इस पॉइंट से लेस पीछे वाला एरिया हमें, ये हमें टेबल से एरिया मिलेगा, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व वो 1 के इक्वल होता है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम ये वाला एरिया, ये टेबल हमें ये वाला एरिया देगा, हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए हम टेबल से वैल्यू देखते हैं, इसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो टेबल है, इसमें हमने 2 पे टेबल वैल्यू देखनी है। ये है जी 2। अब 2 पे जो टेबल वैल्यू है वो है 0.97 25 1 माइनस 0.97 25। अब हम 1 में से माइनस करेंगे 0.97 25 को, तो ये आ जाएगा 0.02275। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई x ग्रेटर देन 140 की। अब प्रोपोर्शन इसका जो है
0.02275 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ तो ये आ जाएगा 2.275%, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.275/100। यानी हर 100 में से कितने आदमी हैं जिनका ब्लड प्रेशर 140 से ग्रेटर है, वो है 2.275। ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज a restaurant management tells to its customer that the average cost of a dinner is 500, average is 500 with the standard deviation 75. A group of concerned customers think that the average cost is higher. In order to test the restaurant claims, 100 customers purchase a dinner at the store and mean is 520. Perform a hypothesis test at 1% level of significance. अब इसमें ये जो फर्स्ट सेंटेंस में एवरेज है, ये है पॉपुलेशन मीन, एवरेज म्यू इज 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विच इज इक्वल टू 75। उसके बाद 100 कस्टमर्स, सैंपल साइज इज 100, एन इज इक्वल टू 100 और इन 100 कस्टमर्स का जो मीन है इज 520, सैंपल मीन एक्स बार इज 520। म्यू इज इक्वल टू 500, सिग्मा इज इक्वल टू 75, एन इज इक्वल टू 100, एक्स बार इज इक्वल टू 520, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, अल्फा इज इक्वल टू 1%। हमने जो रेस्टोरेंट है, इस क्वेश्चन में रेस्टोरेंट का क्लेम टेस्ट करना है और रेस्टोरेंट का क्लेम है कि जो एवरेज है वो है 500। इस क्लेम को टेस्ट करना है, इस 500 यानी इक्वल का साइन है ये, और जो इक्वल का साइन है पहले मैं आपको H0 और H1 के जो पॉसिबल साइन है वो बताता हूँ। H0 के पॉसिबल साइंस हैं इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, और H1 के नॉट इक्वल, लेस, ग्रेटर। तो इक्वल का साइन H0 का साइन है, इट मींस के जो इस क्वेश्चन में H0 है, H0 इज म्यू इज इक्वल टू 500। हमने रेस्टोरेंट का क्लेम टेस्ट करना है और रेस्टोरेंट का क्लेम है कि जो मीन है वो 500 है, जो म्यू है वो है 500। तो H1 आ जाएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 500, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1%। इसके बाद हमने क्रिटिकल वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने इस क्वेश्चन में जी टेबल यूज़ करना है, जी टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं और पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करने के लिए हम या जी टेस्ट यूज़ करते हैं या टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज 75। तो जिस क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू गिवन हो उसमें हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम जी का टेबल जो है वो हम यूज करेंगे।
टेबल वैल्यू देखते हैं जी आप, 1% के ऊपर, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, एच नॉट में इक्वल का साइन या एच वन में नॉट इक्वल का साइन जो है वो टू टेल को रिप्रेजेंट करता है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू टेल 1% 0.01 पे जो z की टेबुलेटेड वैल्यू है वो है 2.576, क्रिटिकल वैल्यू इज 2.576। इसके बाद डिसीजन रूल, बिकॉज इट्स अ टू टेल टेस्ट देयरफॉर डिसीजन रूल इज रिजेक्ट एच नॉट इफ z इज लेस देन -2.576 और z इज ग्रेटर देन +2.576। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू -2.576 से लेस हुई या कैलकुलेटेड वैल्यू +2.576 से ग्रेटर हुई तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। एच नॉट को रिजेक्ट करने का मतलब ये जो कंपनी का क्लेम है वो गलत है। अब इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक, कैलकुलेटेड जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए जो फार्मूला है वो है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स बार इज 520 माइनस म्यू इज 500 ओवर सिग्मा इज 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन इज 100। 520 में से माइनस करेंगे, 500 को ही आ जाएगा 20, 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 ये आ गया 7.5, 20 डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज इक्वल टू 2.67। अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव आई है तो हमने इसको पॉजिटिव टैबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, अगर ये नेगेटिव आती फिर नेगेटिव के साथ करना था। तो जो हमारी टैबुलेट जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.67 और जो ये कैलकुलेटेड 2.67 और टैबुलेटेड है 2.576। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड टैबुलेटेड से ग्रेटर है तो फिर एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज एच नॉट एक्सेप्ट होगा। तो हमारी कैलकुलेटेड 2.67 और टैबुलेटेड 2.576 है तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है, इट मींस जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज वी रिजेक्ट एच नॉट। लिहाजा जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है उसका जो क्लेम है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।